सफल रहोगे तुम। जिस इम्तिहान के परिणाम का इंतज़ार है वो मैं तुम्हें पहले ही सुनाता हूँ, तुम सफल रहोगे, लेकिन आगे जाकर और मेहनत करना। एक बहुत ज़रूरी बात जो तुम हमेशा के लिए याद रखो, अपने घर की, अपनी निजी ज़िंदगी की बातें सबको मत बताया करो। और तुम जो आजकल अलग अलग जगहों पर अनजान लोगों से मिलते हो, इतनी जल्दी सब पर विश्वास करते हो और इतना विश्वास करते हो कि अपनी नौकरी, अपने घर, अपने परिवार, अपने रहने, अपने उठने बैठने सब कुछ एक बार में बता देते हो, अपनी इस आदत को सुधार लो। इसके कारण गलती से भी कोई खतरा मोला ना जाए, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूँ। हर वक्त बोलने की आदत अच्छी नहीं होती, कभी कभी अच्छे श्रोता भी बनो। तुम जिस चित्र को खोज रहे हो वो चित्र कहीं और रखा है, तुम्हें मिल जाएगा। इस बार जब वो तुम्हारे हाथ आए तो उसे पूरे सम्मान से, अच्छे से रखना, तुम्हारे सारे बिगड़े काम वहीं से बनेंगे। तुम यूँ कभी कभी बेचैन हो जाते हो, पर मैं तुम्हें हमेशा कहता हूँ, श्रद्धा और सबूरी, इन दोनों को अपने जीवन में उतार कर रखो, तभी हर काम अच्छे से होगा। हड़बड़ा कर कोई काम नहीं शुरू करना चाहिए, और अगर कोई काम शुरू कर दो तो उसे बीच में रोकना भी नहीं चाहिए। और सुनो, माफ़ी मांग लो। तुम्हें मालूम है तुमसे थोड़ी सी गलती हुई है, उसके बदले माफ़ी मांग लो। खुश रहो।